भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आपने पिछली वीडियो में दिखाया है, लाइक मेरा जो बर्थडे था मैं बर्थडे पे तक खुश हो गया था अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पढ़ के। सो थैंक यू फॉर दैट। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। चैनल में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के ब्लॉग में होने वाले दिखने वाला है अच्छा अच्छा खाना। आज मैं जाने वाला हूँ वैष्णो देवी। तो अभी मैं बहुत देर का टाइम बहुत हो गया है, तो चलते थे बात के रास्ते में। सो हे गाइज, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तिब्बत, लाइक नॉट एग्जैक्टली तिब्बत, बट देर इज अ स्मॉल मिनी तिब्बत इन दिल्ली विच इज कॉल्ड मजनू का टीला। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1965 में जब इंडिया चाइना कुछ वॉर हुआ था, तो वहाँ पे एक तिब्बतन लोग की कॉलोनी पूरी, वहाँ सारे तिब्बतन लोग रहते हैं। सो दे आर बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कोरियन कल्चर, वहाँ पे कोरियन खाना बहुत बिकता है। तो आज हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं कल थोड़ा रिसर्च कर रहा था कोरियन फूड के बारे में, तो मेरे को देखने बड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरे को लगा था कि भाई मेरा पेट तो पक्का खराब होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई करना तो बनता है। टेस्टी होगा या होगा देखेंगे बाद में, लेकिन ट्राई करना तो बनता है। तो अभी सीधे चलते हैं मशरूम कटीला में, वहीं गाड़ी रुकेगी सीधा। लेट्स गो। गाइज वेलकम टू द चैनल। अभी हम हैं मजनू टीला में और अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री में। ओ टट्टी बता देता हूँ, मेरे को पढ़िए। राइट नाउ आई एम ट्राइंग रैपिंग्स इन मजनू का टीला। ये इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन मैं थोड़ा कम स्पाइसी खाता हूँ, लेकिन फिर भी टेस्ट करता हूँ। काफ़ी यूनिक टेस्ट है, बहुत अच्छा है। ये है प्योर वेज, ये वेज ही ना, ये है वेज, मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो अगर आप मजनू टीला में आ रहे हैं तो यहाँ पे मॉनेस्ट्री के पास है, यहाँ पे आपको जरूर खाना चाहिए। So right now we are going to another restaurant. This is TD restaurant. So देखते हैं इसका कोरियन खाना कैसा है। Let's go. भाई यहाँ तो सारा नॉन वेज ही है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो बनिया है ना, बनिया प्योर वेज, नॉन वेज नहीं खाते बनिया। नहीं, मेरे सारे दोस्त नॉनवेज खाते हैं, आज ज़्यादा बनिए इतना नर्वस है तुम्हें साथ जाने में, जो देखो टेबल पर नॉन वेज नॉनवेज, मैं अकेला वेज, क्योंकि प्लेट से मूवी नहीं मार सकते यार। सो गाइस राइट नाउ आई एम सिटिंग एट टीडी रेस्टोरेंट और हमने मंगाया है वेज फैंटुक। मुझे कुछ आइडिया नहीं इसमें क्या आने वाला है, बट सी लेट्स ट्राई इसमें क्या आता है, और आई होप अच्छा ही हो, मेरा पेट ठीक हो, बस ये जरूर। ये आ गया हमारा वेज फैंटुक, जैसा कि आप देख सकते हैं इतने बड़े बाउल में। और भाई देखो, ये मैं अकेले तो खा नहीं सकता, ये मेरे साथ कर्मन ने यही खाएगा। तो देखने में अच्छी धारण तो भी होने से देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें भी टेस्ट करता है, क्या पता जो चीज़ दिखती है वो ऐसी होती नहीं है। टेस्ट करके देखता कैसा है। यारी इस एक सब्जी में डालता है इसके अंदर, सुन डाले भैया। बहुत गर्म है, लेकिन अच्छा है टेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, बट अच्छा है।
अभी तो मैंने सिर्फ सूप ट्राई करा, सब्जियां ट्राई नहीं करी, लेकिन आई थिंक इसमें नूडल्स हैं। मजे में खा रहा है। कैसा है? बढ़िया है। कितने में से टेन में से कितना मजेगा? मेरा छः है और टेन में से फाइव। अगर आप इस एरिया में आ रहे हो मशहूर टीला में, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे मतलब शॉपिंग की भी शॉप्स अच्छी अच्छी हैं, आप शॉप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मस्ट ट्राई कोरियन फूड। मैंने जब मैं पहली बार आया था मुझे लगा ही नहीं कि इतना अच्छा होगा, बट इट इज़ गुड, मस्ट ट्राई। हम दो जनों से ये वेस्ट सेंटुक नहीं खाएंगे, तो हम पैक करा रहे हैं और पैक करा के हम बाहर बच्चों को दे देंगे, वो खाएंगे, हम बोलेंगे एंजॉय करो। लेकिन हमसे नहीं हो पाया, हम खाएंगे कुछ अच्छा लास्ट में खाएंगे। मेरे यहाँ फेवरेट एक बहुत फेवरेट कैफ़े है, हमको जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है आमा कैफे। वहाँ जाके मेरा अच्छे से खाने वाला हूँ पूरा खाना, फिर कौन से खाएंगे आप। अब हम आए डोलमा हाउस पे वेज मोमोज खाने। मैं इसके यहाँ पे बहुत सुना था कि इसके वेज मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, सो लेट्स टेस्ट इट कैसे हैं। बट यार एक डिफॉल्ट यहाँ पे इन्होंने हमें सिर्फ चटनी दी है, मेयोनीज नहीं डाला। और तेरे को पता है कि मैं मोमोज सिर्फ मेयोनीज खाता, चटनी से नहीं खाता। तो आई कैन जज यू नाउ, ये जज करना आप भी कर लो जज, बट आई डोंट केयर, इट्स माय चॉइस। सो तो देखते हैं इसमें कैसे टेस्ट है। ठीक भी है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, मेरे एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए। लेकिन भाई को बात बताऊँ, हमने मोमोज के लिए यहाँ पे 20 मिनट ऑर्डर किया है, और अगर मैं किसी रेडी वाले पे जाऊँ ना, मतलब आप मेरे घर के पास रेडी वाले में मैं जहाँ से खाता हूँ मोमोज, वो मेरे को सबसे पहले देता कि भैया आप ऑफिस कर देंगे, यहाँ पर इतनी देर आइए। और इसके इतने अच्छे भी नहीं है, आई प्रेफर रेडी वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, रेडी वाले बेस्ट होते हैं। अगर एक रेडी वाले कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा लो या रेडी वाले कंपेयर कर लो, बेस्ट होंगे रेडी वाले। सुबह हम खाते हैं अपने मोमोज, मिलते हैं नेक्स्ट वेकेशन, बाय बाय। तो गाइस हमने तीन चार रेस्टोरेंट में ट्राई कर लिया, हमने लैफिंग्स ट्राई करी, हमने वेज थुक थुक ट्राई करा, और हमने ये मोमोज थेंथुक वेज थेंथुक ट्राई करा। और अब हमारा जो है बहुत लग रही है हमें भूख, अब हमें मन कर रहा है कि हम अपनी मर्जी से कुछ खाएं। तो मैंने सोचा कि अब आपको दिखाते हैं जो मेरा फेवरेट है आमा कैफे, वहाँ ले चलते हैं आपको। वहाँ पे हम थोड़ा पिज्ज़ा विज़ा कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करेंगे जिससे हमारा पेट भर जाए, एंड लास्ट में दिखाऊंगा आपको डेजर्ट जो सबसे बेस्ट है आपका। तो लेट्स गो। भाई बेस्ट है, कोरियन वगैरह छोड़ो, हो गया अपना कोरियन का काम, ब्लॉग बन गया। अब मेन चीज़ें खाने की, देखो क्या सही खाना मंगाया। मेरी उसकी लड़ाई हो रही थी कि वेज मंगाना है चिकन मंगाना है, और जीता आके मैं वेज, यानी कि मैं एंड दिस इज स्पॉन्सर चॉकलेट चिप कर रहे हैं ना, चॉकलेट चिप, कोई बात नहीं मैं करूँगा। तो तभी माना है तू, बड़ा चालू है लगाया गया, बड़ा चालू है। फ्रैप इज ऑल्सो गुड, लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ आने वाली है वो आने वाला इसका डेजर्ट। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी फेवरेट पेस्ट जो है यहाँ की, मड केक। अभी से मान जा रहे हैं। तो ये है यहाँ की मड केक पेस्ट्री जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैं हमेशा जब भी यहाँ पे आता हूँ भाई ज़रूर लेता हूँ, तो आपको दिखाने में कैसे लगे। शानदार बेस्ट, दिखा के ना आनंद से आ जाता है, मजा से आ जाता है, कसम से बेस्ट लगती है वो ये। आप जब भी आमा कैफे आओ यहाँ पर आप कोई भी डेजर्ट ट्राई कर सकते हो, सारे बहुत अच्छे हैं, बट वन ऑफ द फेवरेट है मड केक पेस्ट्री, सो डू चेक इट आउट।
गाड़ी मार के पकड़ इसको भाई, सबसे ज़रूरी है भी ये चीज़ बना के ब्लॉग मज़े बना रहे हो और घर तक नहाना तो पड़ेगा, नहा लेंगे लेकिन फिर भी हाथ का साथ नीचे। गाइस आई एम बैक विद माय शूट और मेरे को काफ़ी मज़ा आया कोरियन खाना खाने में और अब मैं घर आ गया हूँ और मैं एकदम चिल करूँगा क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं डिनर कर पाऊँगा क्योंकि भाई बहुत पेट भर गया सबसे। लेकिन भाई आपको एक बात बताऊँगा, सच्ची बता रहा हूँ, कोरियन खाना अच्छा था माना मैंने, लेकिन भाई सबसे जो मतलब आया था ना वो आया था मेरे को एंड में जब मैंने एम्मा कैफे का खाना खाया था, मतलब उस खा के बहुत मज़ा आया मेरे को। तो अभी मैं इंजॉय करने वाला हूँ मेरी पेस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं एक मैं लाया था, एक मैं लाया था अपने भाई के लिए और एक है मेरे लिए। सो यही वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं चैनल पे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।